हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जोश। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि अपने आरबीएल क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप अपने पेटीएम वैलेट में किस तरह से अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उस पेटीएम वैलेट में जो अमाउंट हमारे पड़े हैं उसको हम अपने बैंक अकाउंट पर लेकर किस तरह से जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि किस तरह से अपने पेटीएम वैलेट अमाउंट को हम अपने बैंक अकाउंट पर लेकर जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप पेटीएम ऐप्स के अंदर अवेलेबल बैंक ट्रांसफर ऑप्शन का यदि यूज करके अपने वैलेट अमाउंट को बैंक अकाउंट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको 5% का चार्ज देना पड़ेगा। बट आज मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं उसके अनुसार से कुछ दिन तक तो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, बट आने वाले 2-4-5 महीने के बाद आपको वहां पर 2-2.5% तक भी चार्ज देने पड़ सकते हैं। बट यदि आप थोड़े बहुत जोगाड़ यदि यूज करेंगे तो आप 1-2% के अंदर भी अपना काम चला सकते हैं, यानी जो भी आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उस पर आप 1% तक भी चार्ज देकर अपने पैसे को बैंक अकाउंट में लेकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा जोगाड़ यूज करना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में यह बिल्कुल फ्री रहेगा। अब फ्री क्यों रहेगा, बाद में पैसे क्यों लगेंगे, इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे इस बात को। फ्रेंड्स, इस वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आपको अपने पेटीएम वैलेट में पैसे ऐड करने के लिए आपको पेटीएम ऐप्स का यूज करना है, बट उस वैलेट में पड़े अमाउंट को बैंक में ले जाने के लिए आपको पेटीएम ऐप्स का यूज नहीं करना है, उसके जगह पर आपको यूज करना है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप्स, या फिर आप इसे पेटीएम का मर्चेंट ऐप्स भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड, सीधा सीधा मतलब यह है कि यहाँ पर आपको दो ऐप्स का यूज करना है। पहला तो जो आपका नॉर्मल जो पेटीएम ऐप्स जो आप यूज करते हैं उसका यूज करना है आपको केवल अपने पेटीएम वैलेट में पैसे ऐड करने के लिए, और दूसरा जो ऐप्स है जो कि मैंने आपको नाम बताया है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप्स, इसका यूज करना है उस पेटीएम वैलेट के अमाउंट को बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करने के लिए। तो यह जो पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप्स है यह वही ऐप्स है जो कि किसी भी दुकान में आप देखते होंगे, बाहर में एक क्यूआर कोड आपको दिखता है जिसका कि यूज करते हैं आप उनको पेमेंट करने के लिए। तो या तो आप क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट करते होंगे या फिर उनके मोबाइल नंबर के द्वारा, दोनों ही केस में पैसे उनके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। तो यहां पर वो जो मर्चेंडाइज वाली जो अकाउंट है वो यहां पर आपको दुकान वाले की जगह पर, मैं यह बोल रहा हूं कि आपको किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पे खुद पे ही रजिस्टर करा लेना है। तो यहां पर यह होगा कि आप अपने वैलेट से उस जो भी मेंबर्स के नाम पर आप अकाउंट खोलेंगे मर्चेंडाइज वाली उसको पेड कर देंगे, और वो पेड करने के बाद जो अमाउंट कहां जाएगा बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट से आप चाहे तो किसी भी बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको अपने प्ले स्टोर से इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे बिजनेस फॉर पेटीएम ऐप तो आपके सामने इसका लोगो आ जाएगा, सेम पेटीएम के जैसा ही है, और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और इसमें आपको साइन अप कर लेना है, यानी कि खुद को रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस नंबर यानी कि जिस अकाउंट से आपने अपना पेटीएम ऐप्स ऑन करके रखा है यानी कि एक्टिवेट करके रखा है उस अकाउंट से आपको इसको लॉगिन नहीं करना है, यानी कि आपको यहां पर दो आईडी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जैसे ही आप इसे एक्टिवेट वगैरह जब कर लेंगे तो कुछ समय के बाद आपको केवाईसी की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वहां पर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी ही कर रहा हूं कि आपको जो है, जैसे मान लेते हैं कि आपने जो पैसे जो लोड किए वो एक अलग अकाउंट होगा, बट जो जिसमें आप मर्चेंडाइज चलाना चाहते हैं वो एक दूसरे आदमी का अकाउंट होगा। जैसे कि हमारा मेन पेटीएम का अकाउंट हमारे नाम पर है, बट हमने जो मर्चेंडाइज लिया है वो मैंने अपने भाई के नाम पे लिया है, तो आप भी इसी तरह से अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे वो मर्चेंडाइज ले सकते हैं। क्योंकि यदि एक बार आप मर्चेंडाइज ले लेंगे तो फिर उस अकाउंट से आप क्रेडिट कार्ड से पैसे लोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप जिस भी अकाउंट से मर्चेंडाइज खोलते हैं उस अकाउंट से आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेटीएम पे पैसे लोड नहीं कर पाएंगे। डेबिट कार्ड से यूपीआई से आप कर सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड से पैसे लोड नहीं कर पाएंगे। बट यहां पर जो हम आज बात करने वाले हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से लोड किए गए वैलेट में जो पैसे हैं उसको बैंक अकाउंट पे किस तरह से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको पेटीएम का बिजनेस ऐप्स यूज करना होगा, वो भी किसी दूसरे के नाम का, यानी कि किसी भी दूसरे अपने फैमिली मेंबर्स के नाम का। तो इस तरह से आप पहले तो अकाउंट एक क्रिएट कर लीजिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप्स का। इसमें किस तरह से एक्टिवेट करना है, रजिस्टर करना है, इन सब के ऊपर काफी सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी जिनको देख करके आप सीख सकते हैं। मैं यहां पर आपको उसकी प्रोसेस नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फ्रेंड्स मैंने लगभग
नवंबर या दिसंबर 2018 में ही अपने मर्चेंडाइज को ओपन कर लिया था और उसके माध्यम से मैं आज तक बिल्कुल सक्सेसफुली पेमेंट ले रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, इनकी पॉलिसी दिन ब दिन चेंज होती रहती है। आप देखेंगे एक एक सप्ताह में पेटीएम के जो अपडेट आते रहते हैं, क्योंकि पेटीएम इसको बिल्कुल तरह से रोकना चाहता है, क्योंकि पेटीएम चाहता है कि आप जो क्रेडिट कार्ड से पैसे लोड करते हैं उस पैसे का यूज अपने मर्चेंडाइज में करें या फिर बिल पे करने में करें, बट उस पैसे को आप अपने अकाउंट पर लेकर नहीं जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे पेटीएम वैलेट में लोड करते हैं तो पेटीएम उस पेमेंट कराने वाली कंपनी को कुछ पैसे देता है, बट जब भी आप पैसे लोड करते हैं तो आपको पूरे के पूरे पैसे पेटीएम वैलेट में शो करता है, बट जब आप उस पैसे को बैंक अकाउंट के ऊपर लेकर चले जाते हैं तो फिर पेटीएम को सीधा सीधा लॉस हो जाता है। तो इसके लिए पेटीएम इस चीज को रोकने के लिए काफी प्रयासरत है और इसके लिए आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन काफी अपडेट्स जो आपको देखने को मिलते होंगे और पहले बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे जिसके माध्यम से आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट पर लेकर जा सकते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि लगभग सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप अपने वैलेट के पैसे को, जो भी क्रेडिट कार्ड से लोड किए गए पैसे हैं वैलेट में, उस पैसे को बैंक अकाउंट पर लेकर नहीं जा सकते हैं। बट अभी भी आपके सामने ये एक रास्ता बचा है और मे बी शायद लास्ट रास्ता हो, यह बिल्कुल लीगल मेथड है और आप इसका यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्रेंड्स मैं भी पिछले 9 मंथ से इस मेथड का यूज कर रहा हूं और इस वीडियो में भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अपने Paytm वैलेट अमाउंट को बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी बहुत लंबी जरूर हो जाएगी क्योंकि मैं यहां पर आपको सारे डाउट जो है क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि फिर बाद में आप मुझे कमेंट करके पूछते रहेंगे, तो इसके लिए अच्छा है कि मैं आपको सारी चीज की डिटेल एक ही वीडियो में यहीं पर आपको दे दूं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि पेटीएम का यह मर्चेंट ऐप्स किस तरह से स्टार्टिंग में फ्री रहता है और बाद में आपको 2-2.5% तक चार्ज लगाने लगता है। तो फ्रेंड्स जब आप स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो पेटीएम सेंस नहीं कर पाता है, 2-3 महीने तक आप बिल्कुल धरले से यूज कर सकते हैं, बट जैसे ही 2-3 महीने आपको गुजर जाएंगे तो पेटीएम सेंस कर लेगा कि आप केवल सिलेक्टेड अकाउंट से ही आपके मर्चेंडाइज के ऊपर पेमेंट आ रहा है। तो वैसे में क्या होगा कि जब भी आप अपने मर्चेंडाइज ऐप से बैंक अकाउंट के ऊपर जब पैसे ले जाना चाहेंगे तो वहां पर आपको वो दिखाएगा कि आप जो है रूल को वायलेट कर रहे हैं और आपको 2-2.5% तक चार्ज देने होंगे। तो फ्रेंड्स वहां के बाद आपको चार्ज लगने चालू हो जाएंगे जब भी आप अपने मर्चेंडाइज अकाउंट से बैंक अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर करेंगे, बट वो काफी लेस रहेगा 2-2.5%। बट यदि आप उस केस की बात करें पेटीएम के नॉर्मल एप्स की तो वहां पर आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पे 5% देने पड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं, 2.5% यदि आपको बचते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपने तीसरे जुगाड़ मेथड की, जिसका यूज करके आप 1% या ज्यादा से ज्यादा 2% के अंदर ही अपने पेटीएम वैलेट अमाउंट को बैंक अकाउंट के ऊपर लेकर जा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इस मेथड का यूज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यदि मान लेते हैं किसी कारणवश आप अपना खुद का मर्चेंडाइज एप्स यदि रजिस्टर नहीं कर पाए तो फिर आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको अपने किसी भी फ्रेंड की सहायता लेनी होगी जिन्होंने ऑलरेडी मर्चेंडाइज चालू करके रखा है, या फिर आप अपने घर के नज़दीक के कोई भी शॉप वाले से कंसल्ट कर सकते हैं जो कि मर्चेंडाइज लेके रखे होंगे, जिनके थ्रू वो पेमेंट लेते होंगे। जैसे कि आप उनको जाते होंगे तो अपने मोबाइल से पेटीएम वैलेट के द्वारा उनको पेड करते होंगे क्यूआर कोड के द्वारा या फिर उनके मोबाइल नंबर के द्वारा, तो उनको आप ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपको 1-2% दूंगा और आप जो भी मैं अमाउंट आपको ट्रांसफर करता हूं वो अमाउंट आप मुझे 1-2% काटकर मुझे वापस दे दे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में यदि आप खुद का मर्चेंट एप्स यदि नहीं रजिस्टर कर पाते हैं किसी कारणवश से, क्योंकि उनकी देखिए पेटीएम की जो पॉलिसी है वो दिन-दिन चेंज ही होती रहती है, तो हो सकता है कि वो आगे आपको रजिस्टर करना बंद कर सकते हैं या फिर वो कुछ ना कुछ एक लॉजिक लगा देंगे जिस कारण से आप रजिस्टर नहीं कर पाए, तो फिर आप इस तीसरी जो है जुगाड़ मेथड का यूज कर सकते हैं। और जब आप किसी भी दुकान वाले को इस तरह का ऑफर देते हैं तो उसके लिए तो सीधा सीधा 2% का प्रॉफिट ही है, क्योंकि जब वो उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट पर लेकर जाएगा तो उसे तो कुछ भी रुपया नहीं लगने वाला है, लेकिन बदले में आप उसे 1-2% दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा डाउट होगा कि उस दुकान वाले को भी जब अपने पैसे को वो बैंक अकाउंट पे लेके जाएगा तो उसे भी पैसे लगते होंगे, तो यहाँ सब बिल्कुल भी नहीं है, उसे बिल्कुल जीरो अमाउंट लगता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप सोचिए यदि मान लेते हैं किसी भी दुकान वाले को आप पेड करते हैं, मान लेते हैं सपोजेड 10 रुपए, और 10 रुपए के ऊपर यदि मान लेते हैं उसे 1 रुपया भी यदि कट रहे हैं तो वो आपसे सीधा सीधा बोल देगा कि भाई मैं पेटीएम से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप मुझे सीधा सीधी 10 रुपए ही दे दो। क्योंकि यदि आप 10 रुपए उसको देंगे और यदि उस अमाउंट को उसको बैंक अकाउंट पर ले जाने के लिए 1 रुपये का यदि खर्च यदि लग जाएगा तो फिर वो पेटीएम से आपका पेमेंट क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो यह बिल्कुल क्लियर है कि दुकान वाले को बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं।
फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं कि अपने पेटीएम वैलेट में किस तरह से पैसे क्रेडिट कार्ड से लोड करते हैं, तो यहां पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। तो मैं यहां पर जल्दी से अपने 10,000 रुपए और भी ऐड कर लेता हूं और अब मैं डायरेक्ट चलता हूं अपने सीधे पेटीएम के नए बिजनेस ऐप्स में और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप उस पेटीएम के नॉर्मल वाले ऐप से इस मर्चेंट के ऊपर पेमेंट लाते हैं, किस तरह से इस अमाउंट को आप बैंक अकाउंट पर लेकर जाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं जो है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप्स को ओपन कर लेता हूं। इसमें फ्रेंड्स कुछ चीज़ हैं जो आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, यह जो ऐप्स है इसमें जो है आप पहले जो है आपको जिस तरह आप किसी भी दुकान पर जाते होंगे तो उनका एक क्यूआर कोड रहता है जो कि दुकान के बाहर में लगाई हुई रहती है। तो फ्रेंड्स, वही क्यूआर कोड जो है आपको जनरेट करना पड़ता है जब आप ये ऐप्स को जब डाउनलोड करते हैं, जब एक्टिवेट करते हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम जो है वही क्यूआर कोड खुद से जनरेट करना पड़ता है और फर्स्ट टाइम के लिए एक टाइम तो आपको वो फ्री रहती है, दूसरी बार से उसको 7 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो है आपको देने पड़ेंगे यदि आप चाहेंगे दूसरा क्यूआर कोड बनाना तो। लेकिन चाहते हैं आप वही जो क्यूआर कोड एक बार आपने बना लिया उसी को यूज़ करना तो नो प्रॉब्लम, एक बार क्यूआर कोड आपने बना लिया उससे कितनी बार भी आप पेमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन में जो है मैं यहाँ पर कुछ भी सेटलमेंट हमारी नहीं है, यानी कोई भी पेमेंट नहीं आई है फिलहाल, आपको यहाँ दिख सकता है 0 रुपये। तो मैंने इस ऐप्स का यूज़ करके वो क्यूआर कोड जो दुकान के बाहर आप देख रहे होंगे उसको मैंने जो है क्रिएट कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं एक बार अपनी वो क्यूआर कोड आपको दिखा दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से फिलहाल जो है बैक हो जाता हूँ। और फ्रेंड्स, उससे पहले जो है मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ जो है अकाउंट का टैब है, इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो दुकान का हमने नाम रख लिया, यानी कि बिजनेस का जो नाम हमने रख लिया वो नाम यहाँ जो है शो हो रहा होगा और नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सेप्ट पेमेंट सेटिंग। तो फ्रेंड्स, जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमने पेटीएम के जो मेन अकाउंट था उसमें जो हमने जो बैंक अकाउंट जो ऐड करके रखा था वह जो है बैंक अकाउंट यह ऑटोमेटिक जो है रीडायरेक्ट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो है अकाउंट नंबर जो है शो हो रहा होगा और यह जो है पेमेंट जैसे ही आपके इस वैलेट में आएगा तो यह कब जो है आपके बैंक में जाएगा उसके लिए चाहे तो आप ऑटोमेटिक जो है यहाँ लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है वंस ए डे यानी कि सुबह सुबह 5 बजे मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक जो है हमारा पैसा जो है वो अकाउंट में चले जाए। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका नीचे दिख रहा होगा पेमेंट मोड कि डेली लिमिट जो है लगभग 20,000 की है, यानी कि फ्रेंड्स डेली जो है आप 20,000 जो है इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मंथली लिमिट जो है इसकी 50,000 की है। जबकि पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में यदि आप लेके जाते हैं तो आपका डेली लिमिट कोई अनलिमिटेड है, कितना भी आप कर सकते हैं, मंथली भी अनलिमिटेड है, जबकि यूपीआई से यदि आप पेमेंट करते हैं तो भी अनलिमिटेड है आपकी। तो चलिए फिलहाल जो हम वैलेट का यूज़ कर रहे हैं, वैलेट से पैसे लेके आ रहे हैं, तो चलिए मैं यहाँ से अब बैक जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑर्डर न्यू क्यूआर कोड, यहाँ से आप न्यू क्यूआर कोड भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी जो है किया हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ से बैक होता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं पहले आपको जो अपना जो है क्यूआर कोड जो है दिखा दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, यह है हमारा पेटीएम का क्यूआर कोड जिसे कि मैंने इस ऐप से जनरेट किया है। तो फ्रेंड्स, इसी क्यूआर कोड के ऊपर जो है हम अपने पेटीएम का जो नॉर्मल जो ऐप्स है उस ऐप्स का यूज़ करके इसी क्यूआर कोड के ऊपर हम पेमेंट को भेजेंगे जिससे कि वह इस ऐप्स के अंदर आ जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ से भी बैक हो जाता हूँ। और फ्रेंड्स, अब जो है हम अपने नॉर्मल पेटीएम ऐप्स में हमें लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद जो है फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने जो अपने पासबुक में जो पैसे जो ऐड किए थे वो आपको दिखाए ही थे, देख सकते हैं 11,858 रुपये अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि 11,000 रुपीज़ जो है मैं अपने उस वैलेट के ऊपर जो है भेज देता हूँ बिजनेस ऐप्स वाले पे। तो उसे भेजने के लिए जो है हमें यहाँ से जैसे कि हम जिस तरह से दुकान वाले को पेड करते हैं तो हमें पे वाला ऑप्शन जो है चूज़ करना पड़ता है। तो फिलहाल जो है फ्रेंड्स, चलिए मैं जो है उसको पे ही करना चाहता हूँ, तो मैं पे के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप चाहे तो उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास क्यूआर कोड है तो मैं यहाँ से जो है अपना ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ जो है गैलरी वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये गैलरी वाला ऑप्शन जो है हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद जो है फ्रेंड्स, आपको वह क्यूआर कोड जो वहाँ की आपने सेव करके रखा होगा उसे खोज करके ऊपर निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है हमारा वो क्यूआर कोड जो हमने जनरेट करके रखा है वो हमें मिल चुका है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसे ही हमने उस फोटो को क्लिक किया या नाम जो ऑटोमेटिक जो हमारा ऊपर जो है लिख कर आ जाएगा कि जो भी क्यूआर कोड आपने सेलेक्ट किया है उसने डिटेक्ट कर लिया है कि किसका है। तो मैं यहाँ से जो है पेमेंट करना चाह रहा हूँ 11,000 रुपीज़ का। उसके बाद जो है फ्रेंड, सिंपली आपको पे सिक्योरली के ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, आपका जो मर्चेंट का जो नाम था वो सो रहा होगा और कितना रुपया जो है हमने पेड किया है, आपका ऑर्डर नंबर, टाइम, डेट सब कुछ जो है यहाँ
शो हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से सक्सेसफुल हम पेमेंट कर चुके हैं। अब जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा अप टू डेटेड वैलेट बैलेंस जो है 858 रुपये मात्र बचे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक एक प्रोसेस तो हमारा पूरा हो गया कि पेटीएम से हमने पेटीएम पे फर्स्टली पैसे लोड कर लिए, दूसरी बार पेटीएम से जो है वो दूसरे बिजनेस ऐप्स को हमने पैसे भी भेज दिए। तो फ्रेंड्स अब जो है हमारे सामने नेक्स्ट प्रोसेस है कि वो जो हमारा बिजनेस ऐप्स है उससे पैसा हमारे अकाउंट पे किस तरह से जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब इसका कोई भी काम नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं ओपन करता हूँ पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप्स। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ जो है पेमेंट रिसीव्ड जो है आज के दिन में 11,000 रुपये जो है पेमेंट रिसीव्ड हो गया है। फ्रेंड्स आप यहाँ में टाइम देख सकते हैं, फ्रेंड्स यहाँ आप टाइम देख सकते हैं, आज का डेट देख रहे होंगे और टाइम भी इसका 4:09 हो रहे हैं, यानी कि लगभग 30 सेकेंड के अंदर ही उस ऐप से इस ऐप्स के ऊपर जो है पैसे आ चुके हैं। और चूंकि इसमें मैंने अपना जो है बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक जो है सेट करके रखा है, तो यह पैसा हमारे अकाउंट पे सुबह सुबह कल 6 बजे तक हमारे अकाउंट पे चला जाएगा ऑटोमेटिक ही। अब देख सकते हैं नंबर ऑफ पेमेंट जो है अभी 1 हुआ है, यानी कि आज के दिन में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं यह शो करता है। तो आज का हमारा पेमेंट सिर्फ 11,000 का है, तो यहाँ जो है दिख रहा है आपको। तो फ्रेंड्स यह पैसा जो है हमें अकाउंट पे मिलेगा कल सुबह। फ्रेंड्स एक्चुअली मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि जितने भी इस तरह के वीडियोस होते हैं वो केवल कुछ समय के लिए ही काम करते हैं, उसके बाद उस ऐप्स के तरफ से एक अपडेट निकल के सामने आ जाता है और उसके बाद जो आपकी मेथड होती है वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बट आप लोगों की काफ़ी रिकमेंडेशन थी इसलिए फाइनली मुझे यह वीडियो बनानी पड़ गई। पर मैं भी नहीं जानता हूँ कि यह मेथड कितने दिन काम करेगा, हो सकता है कि आप जब 2 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद जब हमारी यह वीडियो देख रहे हो तो यह मेथड काम नहीं कर रहा हो, तो फिर उस समय आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई यह तो बिल्कुल फेक वीडियो है, तो फिर इससे क्या हमारे चैनल को बिल्कुल बैड इफेक्ट आएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। बट चलिए कोई बात नहीं, जब आप लोगों की इतनी इच्छा थी तो फाइनली वीडियो आपके सामने है। तो फ्रेंड्स फाइनली देखते हैं कि हमारी यह मेथड कितने दिनों तक हमारे काम में आती है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मेथड किस तरह से लगी और आप कौन सा अल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं अपने पेटीएम वैलेट अमाउंट को बैंक अकाउंट के ऊपर लेकर जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए।